नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स अब स्कूल जा सकते हैं। जी हाँ, अनलॉक फोर के गाइडलाइंस के मुताबिक नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल जा सकते हैं 21 सितंबर से। और उसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि 7 सितंबर से मेट्रो रेलवे भी स्टार्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ जो कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे के दिन कल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ है उसकी भी अपडेट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मालूमती वीडियोस मिलती रहे। तो आइए देखते हैं वीडियो में इसकी डिटेल्स क्या है जो मैंने अभी आपसे कही बातें। नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की परमिशन से स्कूल जाने की इजाज़त रहेगी और इसमें 7 सितंबर से मेट्रो रेल के मरहलेवार अंदाज में स्टार्ट की जाएगी मेट्रो ट्रेन भी इसमें, और लेकिन बार्स और क्लब्स बंद रहेंगे। 21 सितंबर से आखिरी रसूमात और तदफीन में 100 अफराद को शिरकत की सहूलत, यानी जनाजे वगैरह में शिरकत के लिए 21 सितंबर से 100 आदमी अब जा सकते हैं। इसमें ओपन थिएटर्स खोले जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार ने ज़िमन में सरकारी अहकाम जारी किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की रहनुमाइना हिदायत के तहत 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन्स पर लॉकडाउन बरकरार रहेगा, जबकि लॉकडाउन के अलावा इलाकों में मरहलावार अंदाज में कुशादगी अमल में लाई जा रही है, यानी जहां पर कंटेनमेंट नहीं है वहां पर आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ को खोला जा रहा है। रियासत में बदस्तूर स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स वगैरह बंद रहेंगे। ऑनलाइन फासिलाती तालीम को जारी रखा जाएगा, यानी ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस का जो निज़ाम है उसको बरकरार रखा जाएगा। स्कूल्स में 50% तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ को 21 सितंबर से तलब किया जा सकेगा। 21 सितंबर से 50% टीचर्स और 50% जो दूसरा स्टाफ होता है कामकाज करने वाला स्कूल में, वो स्कूल को आ सकेगा। ITIs के अलावा मुख्तसर मुद्दती हुनरमंदी कोर्सेज का भी 21 सितंबर से आगाज़ होगा, यानी 2-3 महीने 1 महीने के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे मेहंदी डिज़ाइनिंग है लेडीज़ में और दूसरे भी जो छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं मोबाइल टेक्नीशियन वगैरह के, तो ऐसे कोर्सेज का आपको 21 सितंबर से आगाज़ होने जा रहा है। आला तालीम इदारों में रिसर्च की सरगर्मियाँ भी शुरू की जा सकेंगी। अब आला तालीमी इदारे में रिसर्च की सरगर्मियाँ भी वो शुरू की जा सकती हैं। समाजी तालीम, स्पोर्ट्स, तफरीही, तहजीबी, मजहबी और सियासी, तालीमी तो आप समझ चुके हैं, स्पोर्ट्स भी आप समझ चुके हैं, तफरीही यानी घूमना फिरना, तहजीबी यानी कल्चरल, मजहबी यानी आप जो भी मजहब के हैं रिलीजियस मतलब, और सियासी तकारीब की 100 अफराद के साथ कवायद को मलहूज रखते हुए 21 सितंबर से इजाज़त रहेगी। अब 100 आदमी अभी आ रहे हैं कहीं, तो उनको भी इसमें मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और सैनिटाइजर भी यूज़ करना है। ताहम चेहरे पर मास्क और समाजी फासले के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर ज़रूरी होगा। आखिरी रसूमात और तदफीन 50 अफराद की शिरकत की इजाज़त से 20 सितंबर तक होगी। 21 सितंबर से 100 आदमी की इजाज़त रहेगी। अब हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक अहकाम पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना में मंगल से स्कूली स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल क्लासेस का आगाज़ हो गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रामंतापुर में वाक़ दूरदर्शन केंद्र में डिजिटल क्लासेस शुरू की। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत में पहली मरतबा डिजिटल क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जो तीसरी जमात से दसवीं जमात के लिए यानी थर्ड क्लास से टेंथ क्लास तक के लिए शुरू की गई हैं। इसके लिए TSAT, DTH, वायरलेस ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म्स वगैरह से इस्तेफादा किया जा रहा है। तकरीबन 400,000 स्टूडेंट्स ने TSAT चैनल डाउनलोड किया है और तकरीबन 430,000 स्टूडेंट्स ने YouTube चैनल से इस्तेफादा का फैसला किया है।